पांचवें चरण के लिए मतदान लगातार जारी है। पल पल की जानकारी न्यूज 18 आपको दे रहा है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है अब तक का वोट परसेंटेज भी जानना। तो यूपी में 9 बजे तक कितना मतदान रहा है यह हम आपको बता दें, 12.89 12.89% मतदान अब तक हुआ है। सबसे ज्यादा देखिए बांदा में मतदान हुआ है, 14.57% मतदान बांदा में सबसे ज्यादा। सबसे कम हुआ है गोंडा में, 9.5% मतदान गोंडा में हुआ है जो कि अब तक का सबसे कम है। और अमेठी की बात की जाए 13.45% मतदान, बाराबंकी में 12.73% मतदान, फैजाबाद में 14% मतदान, फतेहपुर में 14.28% मतदान। हमीरपुर की बात की जाए तो यहां पर 13.61% मतदान, वहीं जालौन में 12.80% मतदान हुआ है। झांसी की बात करें 14.26% मतदान झांसी में, कैसरगंज में 13.04% मतदान, कौशाम्बी की बात करें 10.49% मतदान कौशाम्बी में अब तक हुआ है। ग्राफिक्स के माध्यम से भी ये हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। देखिए फतेहपुर में कितना मतदान हुआ है, 13% मतदान यहाँ कौशाम्बी में हुआ है। लखनऊ की बात करें 10.39% मतदान लखनऊ में अब तक हुआ है। बिल्कुल, और कौशाम्बी की बात हमने की 13%, वहीं अगर बात कही जाए अगले क्षेत्र की तो वहां पर भी अच्छा खासा मतदान, लखनऊ में 10.39, मोहनलालगंज में 13.86% मतदान, रायबरेली की बात की जाए 13.60% मतदान दर्ज किया गया है। तो ठीक ठाक मतदान है, 12 से 13% का मतदान अब तक। 9 बजे के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके अनुसार यानी कि 9 बजे तक 12.89% मतदान हुआ है। हालांकि गर्मी बहुत ज्यादा है, कुछ जगहों पर मौसम जरूर खुशनुमा हुआ है लेकिन ज्यादातर जगहों पर इस वक्त गर्मी प्रचंड है, लू के थपेड़े चल रहे हैं। ऐसे में लोग चाहते हैं कि सुबह सुबह निकलकर वो अपने मताधिकार का प्रयोग करें, इसलिए सुबह 9 बजे तक का जो मतदान है वो फिलहाल ठीक ठाक मतदान कहा जा सकता है। हालांकि शाम तक किस तरह का मतदान प्रतिशत रहेगा, क्या जो पहले के जो 4 चरण हुए हैं उसी के हिसाब से मतदान रहेगा, क्योंकि पहले के जो 3-4 चरण रहे हैं नलनी उसमें बहुत अच्छा मतदान प्रतिशत नहीं रहा है, इसलिए बार बार जो बड़े लोग हैं उनकी तरफ से अपील की जा रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि तापमान जरूर बढ़ रहा है लेकिन उत्साह भी लोगों का बढ़ रहा है। इन सबके बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, DGP प्रशांत कुमार ने भी मतदान कर दिया है। लखनऊ में प्रशांत कुमार ने वोटिंग की है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जब प्रशांत कुमार वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे। एक हॉट सीट लखनऊ भी है, यहां से राजनाथ सिंह की प्रतिष्ठा दांव पर है। देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस बार जनता उनको कितना प्यार देती है या फिर बाजी विपक्ष मारता है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं क्योंकि लगातार रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं, हर एक जानकारी आपको हम देंगे। लेकिन सबके बीच ये तस्वीर जब प्रशांत कुमार वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे थे। आज पांचवें चरण में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं उसके लिए व्यापक पुलिस व्यवस्थाएं कराई गई हैं। इसमें लगभग 10,000 निरीक्षक उप निरीक्षक, 71,000 कांस्टेबल हेड कांस्टेबल, 48,000 होमगार्ड, 264 कंपनी अर्धसैनिक बल चुनाव से संबंधित बूथों पे लगे हैं। इसके अतिरिक्त शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 230 कंपनी PSC का भी व्यवस्थापन किया गया है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय तथा अंतर्राज्यीय बॉर्डरों पर भी सघन चेकिंग की जा रही है। आज के दिन अभी तक कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी की सूचना नहीं मिली है। कहीं कहीं पे EVM के शुरुआती क्षणों में EVM के माल फंक्शनिंग की शिकायत थी, वो निर्देशों के अनुसार उनको बदल दिया गया है। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। उत्तर प्रदेश के DGP प्रशांत कुमार को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ली गई है, पांचवें चरण का मतदान चल रहा है। कुछ जगहों पर सुबह सुबह ईवीएम के खराब होने की खबर जरूर मिली थी लेकिन अब व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है। क्योंकि लखनऊ राज्य की राजधानी है और यहां पर एक से बड़े एक VIP वोटर्स है जो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। राज्य के सूचना और जनसंपर्क विभाग के निदेशक शिशिर ने अपनी पत्नी और दोनों बेटों के साथ लखनऊ में वोट डाला है। गोमती नगर स्थित एनी बेसेंट स्कूल बूथ पर इन लोगों ने मतदान किया है। तो सूचना जनसंपर्क निदेशक ने वोट डाला है अपने दोनों बेटों के साथ, ये
वोट डालने पहुंचे थे, उनकी पत्नी भी उनके साथ में मौजूद थी। वोट डालने के बाद उन्होंने जो फोटो खिंचाई है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में राजनाथ सिंह चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से ताल ठोक रहे हैं और यहां पर बीजेपी जबरदस्त प्रदर्शन करने वाली है, ऐसा बीजेपी की तरफ से कहना है। इन सबके बीच बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपको हर एक सीट का हाल भी बताना, क्योंकि कुछ देर पहले खबर मिली थी कि महोबा में ईवीएम खराब हो गया है जो कि अब ठीक कर लिया गया है। बूथ नंबर 139-144 पर मतदान एक बार फिर से सुचारू रूप से जारी हो चुका है। ईवीएम खराब होने की वजह से वोटिंग रुक गई थी, लोग लाइन में लगे हुए थे, लेकिन अभी अपडेट मिल रहा है कि महोबा में एक बार फिर से ईवीएम ठीक हो गई है। तो अगर आप भी महोबा में हैं, वोट कास्ट करने जरूर पहुंचे, क्योंकि बूथ नंबर 139, 139 और 144 पर मतदान एक बार फिर से शुरू हो चुका है। झांसी में भी इसी तरीके से तस्वीरें जो सामने आ रही हैं कि गंगावली में ईवीएम खराब हो गया है, बूथ नंबर 157 पर ईवीएम खराब हो गया है, अब तक शुरू नहीं हो सका है मतदान। देखिए बहुत जरूरी है समझना कि जहां पर ये ईवीएम खराब हो रहा है वहां पर भी वोट परसेंटेज ऐसे में प्रभावित होता है कि तीन बार ईवीएम खराब अब तक हो चुका है सुबह से लेकर अब तक बूथ नंबर 157 पर, और अब तक यहां पर मतदान शुरू नहीं हो गया है। कई लोग पहुंचे थे सुबह सुबह मतदान करने के लिए, जिसमें से कहा जा रहा है कि कुछ लोग वापस भी हो गए। ये हैरानी वाली बात है, और वहां के सहयोगी से भी हम कोशिश करेंगे जाने की क्या वजह है कि अब तक मतदान शुरू ही नहीं हो पाया। अगर बूथ नंबर 157 की बात करें वहां पर ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब होने की वजह से वोटिंग अभी शुरू भी नहीं हुई है, तीन बार मशीन बदली जा चुकी है। हालांकि दावे जरूर किए जाते हैं कि वोटिंग को लेकर तैयारियां पूरी हैं, लेकिन न्यूज 18 एक एक तस्वीर आपको हर एक सीट की दिखा रहा है, कहां पर ईवीएम खराब, कहां पर ईवीएम ठीक हो गया है, कहां पर मतदान शुरू ही नहीं हो पाया है। वहीं अगर फतेहपुर की बात की जाए तो फतेहपुर में भी बूथ नंबर 37 पर ईवीएम खराब होने की खबर मिल रही है। खागा के बूथ 37 पर ईवीएम खराब होने की खबर मिल रही है, तो ऐसी खबरें कई जगह से आई है। फतेहपुर से भी जो खबर आ रही है, बूथ संख्या 37 पर ईवीएम खराब हो चुकी है। खागा के बूथ संख्या 37 की ईवीएम खराब होने की वजह से मतदान वहां पर भी बाधित बताया जा रहा है। तो कई जगह से सुबह से लेकर अब तक हमने ईवीएम खराब होने की खबर देखी है, और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त राजनाथ सिंह डिप्टी सीएम को आप देख रहे हैं, बृजेश पाठक को। राजनाथ सिंह लखनऊ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, बीजेपी का गढ़ माना जाता है लखनऊ। पिछले बार 2019 में राजनाथ सिंह ने जबरदस्त जीत हासिल की थी, और दिनेश शर्मा को भी आप देख सकते हैं, पूर्व डिप्टी सीएम रह चुके हैं, और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं राजनाथ सिंह को, राजनाथ सिंह बीजेपी के प्रत्याशी हैं, जबरदस्त जीत 2019 में उन्होंने दिलाई थी, और एक बार फिर से चुनावी मैदान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं, और इस बार भी पूरी तरह से सुनिश्चित कि जीत तो बीजेपी की होगी लखनऊ में। बीजेपी की बात की जाए, लखनऊ में अच्छा खासा उसकी पकड़ है, और कहते हैं कि ये परंपरागत सीट है, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर अब तक जबरदस्त परफॉर्मेंस बीजेपी का लखनऊ में देखने को मिला है, और इस बार भी बीजेपी उम्मीद कर रही है कि इस बार भी बेहतर प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से लखनऊ में देखने को मिलेगा। तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका रुख करेंगे, कुछ गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन जो तमाम ग्राउंड जीरो पर सहयोगी जुड़े हैं उनका रुख कर लेते हैं। अयोध्या का रुख सबसे पहले करेंगे, वहां पर कैसी तस्वीरें पांचवें चरण के रण को देखने को मिल रही है, निमिष जानकारी दें। देखिए सुबह से ही यहाँ पर मतदान सुचारू रूप से चल रहा है, लगभग 9 बजे तक 14% से ज्यादा मतदान यहाँ पर हो चुके थे। हम जिस बूथ पर मौजूद हैं, ये राम जन्मभूमि क्षेत्र से सटा हुआ बूथ है, और यहाँ पर सुबह से ही सुचारू रूप से मतदान की जो प्रक्रिया है, हालांकि जैसे जैसे दिन निकल रहा है वैसे वैसे लोगों का निकलना कम हुआ है, और अब तो ये माना जा रहा है कि शाम को 3 बजे के बाद से ही वोटर घर से निकलेंगे, लेकिन फिलहाल जो मतदान का दौर है वो सुबह 7 बजे शुरू हुआ है और लगभग 9 बजे तक 14% मतदान यहाँ पर हो चुके हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि ये वो जगह है जहाँ पर भगवान रामलला का मंदिर विराजमान है, यहाँ पर कई वीआईपी और वीवीआईपी लोग हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया है, लगातार क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि राम के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है, वहाँ की जनता का क्या कहना है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे ये कहना है, या फिर विकास की भी बात हो रही है अगर स्पेशली अयोध्या की बात करें तो? देखिए अयोध्या की आवाम की बात करें, यहाँ के वोटर की बात करें, तो ये राम मंदिर के साथ विकास को भी तरजीह दे रहे हैं। अयोध्या की जो तस्वीरें बीते 5 साल में निकल के आई हैं, इसको लेकर के अयोध्या विकास की एक नई राह पर है, एक नया आयाम दिख रहा है, जिसकी वजह है कि लोग बड़ी संख्या में बढ़ चढ़ करके मतदान के
इस प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में लोग इतनी कड़ी धूप होने के बावजूद सुबह 7 बजे से क्रम में थे, लाइन में थे और लगातार वोट पोल हुआ है। अब चूंकि 10 बजे जा रहा है, जैसे जैसे धूप बढ़ी है वैसे वैसे थोड़े से लोगों की काम कमी आई है, लेकिन आप जिस तरीके यहाँ मौजूद हैं इस पूरे क्षेत्र में देखिए, लगातार आप लास्ट वाली रो में देखिएगा तो अभी वहां पर हालांकि सुरक्षा ठीक है। अब जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, गर्मी बढ़ती चली जा रही है, लोगों का आना कम हो गया। हालांकि जो महिलाएं होती है ज्यादातर अपने कामकाज को निपटाकर दोपहर के बाद ही मतदान करने के लिए पहुंचती हैं। इस वक्त कौशाम्बी से सर्वेश दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, वहां पर गर्मी का किस तरीके का आलम, और इस वक्त जिस बूथ पर आप खड़े हैं वहां पर क्या लोग पहुंच रहे हैं, या फिर गर्मी की वजह से अभी थोड़ा कम मतदान चल रहा है या फिर मतदान स्लो हो चुका है? देखिए, कौशाम्बी में सुबह से ही गर्मी के बावजूद मतदान हो रहा है और तमाम जो लोग हैं वो यहां पर मतदान करने आ रहे हैं। सीधे आप देख सकते हैं कि यहां पर विनोद सोनकर जी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं वो पहुंचे हैं, 2 बार से सांसद हैं, उन्होंने वोट दिया है। हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, सबसे पहले ये बताएं कि किन मुद्दों को लेकर ये वोट हो रहा है और किस तरह से जीत के प्रति आप आश्वस्त हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत संकल्प को पूरा करने के लिए हम कार्यकर्ताओं ने भी संकल्प लिया है कि हम कदम से कदम मिला के साथ चलेंगे और कौशाम्बी को भी विकसित बनाने का संकल्प को पूरा करेंगे। आप 10 साल से इस सीट पर सांसद थे, कौन से ऐसे विकास कार्य अभी अधूरे रह गए जिनको एक बार फिर से पूरा करने की इच्छा रखते हैं? देखिए, विकास किया है, विकास करेंगे। विकास एक सतत प्रक्रिया है, उसको लगातार करना है। अभी तो हमने केवल नींव रखी है, अभी कौशाम्बी की भव्य इमारत बनना बाकी है। आपने पत्नी और बच्चों के साथ आम मतदाता की तरह लाइन में लगकर वोट किया है, क्या मैसेज है इसके पीछे? देखिए, हम सभी कार्यकर्ताओं का लालन पालन अंत्योदय में है, समाज की अंतिम पायदान। हम लोग सामान्य लोग हैं और सामान्य लोग सामान्य व्यक्ति की तरह काम मतदान किए हैं, इसमें कोई बड़ा काम नहीं है। ये केवल और केवल कुछ लोग दिखावे के लिए करते हैं, हम लोग सामान्य व्यक्ति हैं, समान मतदाता हैं, समान मतदाता की तरह अपना मतदान किए हैं। आपके लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभाएं हैं, 2 विधानसभाएं प्रतापगढ़ की कुंडा और बाबागंज है, तो राजा भैया कितना बड़े फैक्टर होंगे इसमें? देखिए, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि माननीय राजा भैया ने अपना कैंडिडेट नहीं लगाया, ठीक, और जब नहीं लड़ाया है तो निश्चित रूप से जब पूरे देश मोदी में है, पूरा देश राममय है, कौशाम्बी लोकसभा की चायल, सिरातू, मंजनपुर राममय मोदीमय है, तो कुंडा और बाबागंज भी मोदी और राममय है, इसमें कोई संशय। 5वें चरण का आज चुनाव हो रहा है, 14 सीटें यूपी में उस पर हो रहा है, 400 पार की जो नारा था, इसके अलावा अगर बात करें तो आज अमेठी और रायबरेली में भी वोट डाले जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप अमेठी और रायबरेली को लेकर? आज अमेठी में कोई राहुल गांधी परिवार का नहीं है, लेकिन खुद राहुल गांधी अमेठी से रायबरेली से ताल ठोक रहे हैं। देखिए, कितना मतलब दुर्भाग्यपूर्ण है, 137 साल पुरानी कांग्रेस के पार्टी का पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिसके घर में पीएम की श्रृंखला है, वो अमेठी से हारे तो नायडू वहां गए, वायनाड गए, अब वायनाड की जनता ने खदेड़ा तो रायबरेली आ गए, इस बार रायबरेली जनता फिर खदेड़ने वाली है। आपको क्या लगता है कि जीत के प्रति अपने कितना आश्वस्त है और जीत का मार्जिन इस बार कितना बड़ा होगा? जीत का हैट्रिक विनोद सोनकर जी लगाएंगे? हैट्रिक तय है, ठीक, और जहां तक जीत का आश्वस्त की बात है, 1 करोड़% जीतना तय है, और रही बात जीत अंतर, तीसरी बार मेरा जीत का अंतर 3 लाख पार। किसी भी पुरुष की जो है सफलता में महिलाओं का हाथ होता है, आपकी पत्नी भी, हम उनसे बात करेंगे। मैडम, सबसे पहले आप ये बताइए कि किस तरह से आपने चुनाव प्रचार किया और आज वोट आपने भी एक आम मतदाता की तरह दिया है, जीत के प्रति कितना आश्वस्त है, किस तरह से कैंपेन किया आपने? देखिए, मैं गई हूँ, सारी महिलाओं से मिली हूँ, घर घर जाके महिलाओं से मैंने बात की है, सबकी इच्छा जानी है, सबकी मन की बात जानी है, सब मोदी में इस बार जो विकास हुआ उसको लेकर खुश है, 100% हमारी जीत तय है, 100% जीत है। जरा आगे आइए, सक्षम, ये सक्षम है जो कि पहली बार वोट किए हैं, सांसद जी के बेटे हैं, किस तरह से आपने वोट किया है, आपके रोल मॉडल कौन है और कितना जीत के प्रति पिताजी के आप बिल्कुल आश्वस्त हैं? मैं 100% आश्वस्त हूँ कि पापा ही जीतेंगे और मेरे पॉलिटिकल आइडल मोदी जी हैं, मोदी जी हैं, उनके अलावा और कौन ही हो सकता है। पहली बार आपने वोट किया है? जी। तो एक जो लोकतंत्र में वोटिंग का राइट मिला है वो एक बड़ा राइट है, तो कितना इसको लेकर आप उत्साहित हैं? आप बातचीत जारी रखेगा सर्वेश, आप बातचीत जारी रखेगा, आपके पास लौटेंगे क्योंकि जालौन का रुख करना भी बहुत जरूरी है। जालौन में क्या जनता सोचती है, वहां से हमारे सहयोगी अमित गंजू जुड़े हुए हैं। अमित, जरा वहां की तस्वीरें दिखाएं, क्या मतदान सुचारू रूप से चल रहा है, क्या अपडेट आपके पास?
देखिए नंद जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं अपने कैमरामैन सोनू से कहूंगा, देखिए भारत की आबादी, आधी आबादी कितनी जागरूक है अपने, आप लोग स्याही दिखा दीजिए उंगली के पहले सर, जितनी आप देखिए भारत की आधी आबादी कितनी जागरूक है। मैम आप इस तरफ आ जाइए, देखिए इनके हाथों में बैंड भी बांधा जा रहा है, देखिए ये सबके हाथ में एक एक बैंड लगाया गया है, जिन्होंने जिन्होंने वोट कास्ट किया। मैम अपना बैंड भी दिखाई और सियाही दिखाई पहले, ये देखिए सियाही और बैंड। मुझे लगता है कि नंदी इस ये सेंटर है जहां तक मैं अपने कैमरा मैन से पूरा घुमाइए, यहां मैक्सिमम महिलाएं आई हैं जो इतनी धूप मैं धूप की चिंता ना किए बिना, देखे इनकी चेहरे खुशी कुछ कह रही है, अपने वोट डाला कि नहीं पहले बताइए। जी हाँ जरूर डाल दिया। अरे हंस रही, कुछ बता दीजिए क्या कहना चाह रही है। हम पूछेंगे, कुछ नहीं कहना चाह रहे, वोट डाला। महिलाओं के क्या मुख्य मुद्दे हैं यहाँ मैम? वोट डाला है बस, महिलाओं की सुरक्षा होनी चाहिए और पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए बालिकाओं के लिए। मैं आप तक आऊंगा। मैम आपने वोट डाला कि नहीं डाला? क्या महिलाओं के क्या मुख्य मुद्दे हैं यहाँ? नहीं मालूम, चलिए आप बताइए, आपने वोट तो डाला ना जी। मैम महिलाओं की क्या मुद्दे? महिलाओं के लिए मेन मुद्दे शिक्षा और सुरक्षा, ये दोनों महिलाओं के लिए बहुत जरूरी। अगर है आप सहमत हो तो इनके लिए ताली बजाइए पहले सब, आप yes. आपकी इनके साथ अगर महिलाओं की इन बात सहमत हो सब ताली बजाए। वोट सब कास्ट करने चाहिए कि नहीं मैम? आप अकेली आई बाकी लोग? नहीं सब लोग आए। कब आएंगे मैम? आप पहले आ गई? आए हैं सब लोग, आया बट गांव में जाना, कुछ गांव चले गए आपको यहाँ छोड़ गए। नहीं लेकिन वोट डालिए मैम, आपने वोट डाला? डाला। दिखाइए सियाही, दिखा दीजिए सब। सियाही देखना चाहते हैं हमारे करोड़ों दर्शक, देखना चाहते हैं कि भारत की आधी आबादी, भारत की आधी आबादी वोट के लिए कितना जागरूक है। 5 साल मैम आपने वोट डाला, आप आगे आइए। ठीक है ठीक है, आधी आबादी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हमने सुना और बाकी नेताओं को भी हमने सुना कि भाई महिलाओं का निकलना बहुत ज्यादा जरूरी है, उनका वोट भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप तो कहते हैं कि नेताओं की किस्मत का फैसला आधा तो महिलाओं के हाथों में होता है अमित, और इस वक्त राजनाथ सिंह वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। राजनाथ सिंह को आप देख रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से के प्रत्याशी और इस वक्त अपना मतदान करने पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लखनऊ से मतदान करने पहुंचे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के कैंडिडेट, मजबूत प्रत्याशी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले बार भी उन्होंने जबरदस्त जीत हासिल की थी और इस जीत के साथ एक बार फिर से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं राजनाथ सिंह। कुछ देर में उनका मतदान भी होगा, तस्वीरें मतदान केंद्र के अंदर से हम दिखा रहे हैं। तमाम गेस्ट भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका ब्यूरो कर लेते हैं। आलोक अवस्थी जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, उनके पास चलेंगे। आप कितने आश्वस्त इस लखनऊ सीट की जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं फिलहाल उसको लेकर नजर आ रहे हैं? अमेठी की सीट हो गई, रायबरेली की सीट हो गई, तमाम हॉट सीट को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं? जनता कह रही है कि बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, वो सॉल्व होना चाहिए, इसको लेकर भी आपका कॉमेंट जी आलोक जी। निश्चित रूप से है, देखिए अभी आपने जालौन से महिलाओं का इंटरव्यू लिया, उन्होंने कहा कि हम सुरक्षित महसूस करते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस राज्य के अंदर जो एक पिछड़ा राज्य माना जाता था और जो है गुंडागर्दी चरम पे हुआ करती थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, आज भाजपा की सरकार के अंदर उनमें भरोसा दौड़ा है। आज चारों तरफ विकास की गंगा बह रही है, हमने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किया है, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी है, डिफेंस कॉरिडोर को हम यूपी के अंदर लेकर के आए जिससे यहाँ पे रोजगार बढ़े। आज 1 लाख से अधिक स्टार्टअप पूरे भारतवर्ष में और तीसरा बड़ा इकोसिस्टम विश्व में जो है आज खड़ा हुआ है, 110 यूनिकॉर्न जिसमें कि $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होता है एक यूनिकॉर्न में, और कम से कम 5,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। यह भारत के अंदर आज विकास गाथा कही जा रही है। भारत का फॉरेन रिजर्व बड़ा है, भारत का रक्षा क्षेत्र बड़ा है, आज विश्व में भारत का मान बढ़ रहा है, भारत से आज तमाम बच्चे। बिल्कुल, तो आलोक अवस्थी जी आप ये कहना चाह रहे हैं कि चाहे वो मोदी सरकार हो, योगी सरकार हो, अपनी अपनी जगह पर राज्य में या फिर केंद्र में, बीजेपी अच्छा काम कर रही है और विकास के साथ ही वो लोगों के बीच में जा रही है, जनता से वोट मांग रही है। हमारे साथ सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़े हुए हैं। सौरभ, आप ये सब कुछ देख रहे होंगे, लोकसभा चुनाव में पिछली बार जबरदस्त जीत थी, इस बार भी पूरे दमखम के साथ बीजेपी 400 सीट नारी के साथ मैदान में उतरी हुई है, लेकिन सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं। आप बीजेपी को कहां देखते हैं, बाकी पार्टियां? क्योंकि इस बार अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, कांग्रेस और एसपी का गठबंधन हुआ है, ये सारे समीकरण क्या कहते हैं इस लोकसभा चुनाव को लेकर? देखिए, इस चुनाव में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जो है वो नया आयाम जो है स्थापित करने के लिए, पहले ही लक्ष्य उन्होंने 400 का दिया हुआ था और जब 2014 की बात थी तो 272 सीटों के साथ वो पूर्ण बहुमत से उनकी सरकार थी और उस वक्त कैंपेन भी चलाया था उन्होंने 272 सीटों का पूर्ण बहुमत वाली, और वो उसको प्राप्त किया था। उसके बाद जब 2019 का चुनाव हुआ तो उसमें वो 303 सीटों को प्राप्त किया उन्होंने, उस समय भी उन्होंने 300 पार की बात की थी और वो प्राप्त मिला। अब की बार वो 400 पार की बात कर रहे हैं,
लेकिन जिस प्रकार से मुझे लगता है कि वोट परसेंटेज अभी दो तीन जो चरण था उसमें कम रहा था, लेकिन उसके बाद लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, मैं तीसरे चरण में चौथे चरण में तो बहुत अच्छा हुआ, और आज भी मुझे उम्मीद है जिस प्रकार से वोटर निकल करके भारी संख्या में वोट कर रहे हैं वोट परसेंटेज बढ़ेगा, और ये बढ़ा हुआ वोट परसेंटेज कहीं ना कहीं 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, 2017 यूपी विधानसभा और 2022 में प्रदेश की बात की जाए तो कांग्रेस और एसपी साथ आई है, और इस बार कह रहे हैं ये चुनाव अलग है, इस बार चुनाव अलग इस तरीके से है क्योंकि बहुत सारे वादे बीजेपी ने किए थे उसको निभाया नहीं, उस बात को लेकर चाहे वो कांग्रेस हो या फिर एसपी हो वो चुनावी मैदान में है, और रायबरेली अमेठी को लेकर खास तौर पर आपका विश्लेषण क्या है? देखिए मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की जो 22 करोड़ जनता है वो उत्तर प्रदेश के लिए स्थायी नेतृत्व देखना चाहती है, जो कि उसको योगी आदित्यनाथ के रूप में मिल रहा है, और वो यह भी चाहती है कि देश में उसको स्थायी नेतृत्व मिले, उसको कोई संविदा पे सरकार नहीं चाहिए। रही बात रायबरेली और अमेठी की, अमेठी में तो हमने देखा इस प्रकार से स्मृति ईरानी जी को प्लेट में इन्होंने सौंप दी अपनी सीट जो है, क्योंकि जिन राहुल गांधी जी की बात हो रही थी, कार्यकर्ता लगातार कह रहे थे, वहां के नेता कह रहे थे, शीर्ष नेतृत्व कह रहा था कि आदरणीय राहुल गांधी जी आप अमेठी से चुनाव लड़िए ताकि कार्यकर्ताओं में जोश आए, ताकि आपके नेता और मजबूती के साथ चुनाव लड़ चुके, लेकिन वो आप वहां से भाग गए, आपने अपने जो है दूसरे को सीट दी और अब चले गए रायबरेली। अगर कहीं गलती से रायबरेली राहुल गांधी हार गए तो कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश के मानचित्र से गायब हो जाएगी। तो यह बात कांग्रेस पार्टी को ये जो बातें आप कह रहे हैं जनता तय करेगी। मैं